बगल में भंडारा हो रहा है। भंडारा हो, शादी हो या फिर हो बर्थडे पार्टी, आप सभी को ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिला होगा। आलू की पूरी और सब्जी, और जरूर ही आपके दिल को भी भाया होगा। लेकिन आज मैं लाया हूँ इससे ही मिलती जुलती यूपी की एक डिश, जिसको करेंगे आज हम फिनिश। देख 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 देख। कुछ महीनों पहले मैं गया था अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने, लेकिन सर्विसिंग करवाते करवाते मेरे पेट का हो गया था रिचार्ज खत्म। अपने पेट को रिचार्ज करवाने के लिए मैं पहुंचा सीधा B&B, भागवत एंड भागवत। वैसे तो ये जगह अपने समोसे और कचौरी के लिए फेमस है, लेकिन आज हम ट्राई करेंगे यहाँ की स्पेशल डिश, बेड़ाई पूरी। वैसे तो ये पूरी बिल्कुल नॉर्मल पूरी की तरह ही बनाई जाती है, लेकिन बेड़ाई पूरी को बनाते समय इसके बीच में उड़द दाल की स्टफिंग की जाती है, जो इसके टेस्ट को और भी ज्यादा लाजवाब बना देती है। सो मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ यहीं पर अकेला बैठे हुए, सो देखते कितना समय लगता है। ये है दिस इज और बेड़ाई पूड़ी। यहाँ पे हमारे पास पनीर की कुछ सब्जी है, सूप है, एंड यहाँ पे मिर्ची है और आलू है जिसमें जीरा और वो सब दिख रहा है। बहुत अच्छा और टेस्टी दिख रहा है। और मैं पूछता हूँ भैया, अगर एक्स्ट्रा पूड़ी और लेता हूँ कितना लगेगा? 20। एक पूड़ी का 20 रुपीज। ओके, तो अब लेट्स ट्राई इट आउट। ये बेड़ाई पूरी है गरम गरम, इसमें से मेरे को बहुत मजा आता है जब ये ऐसे करते हैं तो। और अंदर से उसकी भाप आ रही है, बहुत अच्छी है। पहले क्या ट्राई करूँ मैं? पहले आलू की सब्जी ट्राई करता हूँ मैं। इसका टेस्ट अच्छा है। ओके, इसमें कद्दू भी डाला हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मिर्ची थोड़ी चढ़की है। और अब ये वाली की बारी है। ये भी ठीक है, पर मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लगी, जिसमें इसके अंदर तो की ज्यादा मसालेदार है और ज्यादा टेस्ट आ रहा है। और इसमें अब इन दोनों को मिक्स करके खाके देखते हैं। इसका टेस्ट ही ज्यादा अच्छा है, ये सिंगल ही ज्यादा अच्छी लग रही है। और अगर मैं ये कोरी खाता हूँ तो ठीक है, लेकिन एक तो सिंपल पूरी होती है और आलू की सब्जी होती है, मैं फिर भी उसी प्रिफर करूँगा, इसे प्रिफर नहीं करूँगा। बट हाँ, ये अच्छी लग रही है, पर उतनी अच्छी नहीं जितनी एक सिंपल आलू की सब्जी और पूरी होती है। तो भाई यहाँ पे कौन सी वाली है? कचौरी है, भुट्टे वाली? एक मामा आ गया, अनिल मामा आ गया भैया। यस, थोड़ा टिश्यू ले लेता हूँ मैं। बहुत दिन बाद चलाने लग रहा है भैया। टिश्यू है क्या? अंदर टिश्यू का डब्बा दिख रहा है, कहाँ दिख रहा? हाँ ये रहा है, टिश्यू ले लेता हूँ ताकि टेबल मेरे हाथ खराब हो चुके हैं। भाई
बोले तो सो गाइस यहाँ पर हमारे पास है जी सर भुट्टे वाली कचौड़ी और इसमें इन्होंने चटनी डाली है, मीठी वाली चटनी डाली और ये शायद दही है और एक और ये ग्रीन वाली चटनी है पुदीना की है शायद, ये लाल मिर्ची मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं इसे साइड में कर देता हूँ। तो ये है और मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ कैसे लग रही है। भाई गर्मी इतनी भयंकर गर्मी लग रही है ना। अच्छी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या क्या मिलाया है, बट टेस्ट में ही अच्छी लग रही है और अगर थोड़ी सी और ज्यादा गर्म होती तो और अच्छी लगती। बाकी आप इसे कंसीडर कर सकते हो, अगर यहाँ पर आ रहे हो तो आप इसे बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो ओवर दाल वाली कचौड़ी, क्योंकि ये हाँ मैं तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ ये मक्के वाली कचौड़ी जिसमें जो अंदर से जिसके अंदर भुट्टे का मसाला हो और साथ में कभी कभी आपको ये पनीर भी देखने को मिल जाता है इसमें। ओके मेरा ना पेट फुल होने वाला है क्योंकि पहले मैंने इसके पहले पेड़ ही पूरी खा ली और अब ये कचौरी और कचौरी बहुत भारी थी। तो अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही हो और अगर आपको अपना पेट भरना है सिर्फ एक कचौरी में तो आप इसे खा सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको स्वीट्स एंड अगर दूसरी चीजों में भी इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आप ले सकते हो। कितने हुए भैया, आपको शूट कर सकता हूँ वीडियो में? हाँ कितने हुए टोटल? हाँ हाँ 40 52। ओके एक सेकंड ये लीजिए। ओके मैं ऑनलाइन कर दूँ ना 2 रुपये या ऐसे? वैसे कितना आप ये मतलब कितना टाइम हो गया यहाँ पर इसको ओपन हुआ? हाँ शॉप को 2 साल हो गए। 2 साल होगा। और यहाँ की स्पेशल डिश? स्पेशल डिश ये यूपी का आइटम है पूरा। तो आई का यूपी नो नो यूपी अच्छा यूपी का उत्तर प्रदेश हाँ वो भी यूपी का है। तो यूपी वाले में और अपने एमपी वाले डिफरेंट क्या है दोनों में? अच्छा ये बेड़ा ही पूरी ना? हाँ ये क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम सुना हूँ ये। अच्छा ठीक है भैया थैंक यू।